ईमान की डेफिनेशन क्या है, ईमान औलिया अल्लाह क्या बताते हैं, हदीस शरीफ में क्या है, कुछ मुख्तसर देखने की कोशिश करते हैं। जैसा हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा इस्लाम के माने, हमने देखा इस्लाम क्या है, दीन का पहला असल है इस्लाम के माने मानना, कैसा मानना, मिला छूचरा इताअत के लिए गर्दन को झुका देना। और मुसलमान क्या होता है, फरमाबरदार, मुसलमान के माने फरमाबरदार होता है, वो अपने आप को हवाले करता है, ये हमने लास्ट में देखा। तो इस्लाम के माने हमने देखा मानना। अब ईमान क्या है, ईमान के माने क्या है, ईमान के माने औलिया अल्लाह बताते, ईमान के माने जानना, जानना मतलब इन्फॉर्मेशन, उसकी नॉलेज, उसका एडुकेशन होना। क्या जानना, जो इस्लाम में माने वो जानना ईमान। इस्लाम में क्या माने हम, पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये मान लिया हम कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अब इसको जानना ये ईमान। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये मान लिया हम, ये फ़र्ज़ है, ये करना, ये मान लिया, अब इसको जानेंगे तो ईमान है, जानना ईमान है। हम दुनिया की हर चीज़ में क्या करते हैं, मानने के बाद जानते हैं दुनिया की हर चीज़ में। अब गौर कर लो, अब किसी की बेटी है, उसको अब किसी के हवाले करना है, यानी उसको अभी शादी के लिए देना है, तो पहले तो दामाद जो होने वाला है उसका पहले बायोडाटा आएगा, वो क्या करेगा, वो बाप बायोडाटा पढ़ लेगा, तो क्या बायोडाटा पढ़ कर ही वो शादी कर देगा, बायोडाटा में पढ़ लेगा, हाँ भाई इतनी हाइट है, इतनी सैलरी है, ये कंपनी है, यहाँ फला बंदा काम करता है, ये एज है, मान लिया। अब मान लिया, मानने के बाद वो जानेगा, क्या जानेगा, वो अड़ोस पड़ोस से पूछेगा, उसके दोस्तों से मिलेगा, वो उसके रिश्तेदारों से मिलेगा, माँ बाप से मिलेगा, बच्चे से खुद मिलेगा। तो मानने के बाद हम जानते, मानने के बाद जानते, उसका एडुकेशन, उसका इल्म हासिल करते। हम कलमा पढ़ लिए तो समझ रहे हैं हम ईमान वाले, समझ हम माने, अब ये माने तो जानना है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज पढ़ रहे, ये इसकी हकीकत क्या है, मान मान जानना है, फ़र्ज़ है मान लिए, मगर इसकी हकीकत भी जानना है। अब क्या है, अब कि कोई बंदा MBBS में एडमिशन लिया, एडमिशन ले लिया, एडमिशन हो गया उसका, मान लिया एडमिशन है भाई, हाँ भाई फला फीस है, फला लेक्चरर्स है, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना। अब वो पढ़ने के बाद जब एडमिशन जो माना, वो कॉलेज में एडमिशन ले लिए के बाद जब क्लासेस उसके शुरू हो गए, वो जानेगा जो माना था, वो जानेगा। तो दुनिया में हर चीज़ में मान के जानते हैं, यहाँ भी ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने भी ऐसे उसूल बनाए कि पहले मानो फिर जानो। मान लिए, अब ये जानो, अब जानने की कोशिश करो। अब पहला अरकान क्या है इस्लाम का, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला अरकान क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, ये मान लिया अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं। अब इसको जानना है कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कि अल्लाह हाजत रवा है तो कैसा है। अब ये जानना ये ईमान है। हम कलमे को क्या समझे, कलमे को जो है ना बचपन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिए तो समझ रहे हैं कि हम ईमान वाले हो गए। समझ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को 13 साल समझा रहे हैं। ईमान आने का जरिया भी यही है, ईमान आने का जो जरिया है कलिमा है, कलमे से ही ईमान आता। सरकार सहाबा को जो तालीम दे रही कलिमे की 13 साल दे रही, हम 13 सेकंड पढ़ ले के समझ रहे हैं कि हम ईमान वाले हो गए। समझ, इतना अहम है ईमान और इतना अहम है कलमा। और ये कलिमे का हुक्म अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, के तुम इल्म हासिल करो, तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं जानो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बंदो जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। हम क्या करें, बचपन में पढ़ लेके छोड़ दिए उसको। औलिया अल्लाह तमाम अंबिया जुलाई कलमा की दावत देते थे, पहले कलमा सिखाते थे, जिंदगी भर ही कलमा सिखाते थे। अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि जानो, इसका इल्म हासिल करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कितना इल्म होगा इसका, सोचो इल्म हासिल करो, उसका पूरी ज़िंदगी भी लगा लें तो इसका इल्म खत्म नहीं होगा। तो इसको जानना है, हम पढ़ के समझ रहे हैं, हम ये इसका हक अदा कर दिए। समझ, ये शैतान का धोखा था, दुनिया का धोखा था। तो ये पढ़े ना जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल है, कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, ये मान लिए। ये मानने के बाद जानना कि अल्लाह हाजत रवा है तो कैसा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है तो कैसे, ये जानना है। ये जानेंगे तो ईमान वाले बनेंगे, और ये जब जानेंगे तो ये जान के ईमान आएगा। तो ये ईमान के साथ हमारी नमाज दुरुस्त होगी, ये कलमे के साथ कलमा जब जानेंगे ईमान आएगा, तो रोज़ा भी दुरुस्त होगा, ज़कात भी दुरुस्त होगी, हज भी दुरुस्त होगी, तमाम जितने नेक अमल है वो सब दुरुस्त होंगे। तो अमल की दुरुस्तगी के लिए कलमा ज़रूरी है, अमल की दुरुस्तगी के लिए कलमे को जानना ज़रूरी है, वरना तमाम अमल करेंगे खबर में जाएंगे, फिर 3 सवाल है खबर के, वो वहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो कलमा हमें सीखना है, जानना है। अब अल्लाह ताला ने कलमे को कैसा रखा, अल्लाह ताला का एक नाम है कलमे में इला, वो इला ऐसा नाम है, औलिया अल्लाह फरमाते हैं। अल्लाह ताला के कई सिफाती नाम है, ज़ाती सिफात, अफ़ानी सिफात, इंफियाली सिफात, कई अल्लाह ताला के मतलब एट्रीब्यूट्स है, वो तमाम सिफातों का एक जामे नाम, इसको कम्बाइन करते वो नाम आता है।
اللہ مالک ہے یہ جاننا کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے, اللہ رازق ہے تو کیسا ہے, اور یہ بھی جاننا کہ میں مملوک ہوں یہ میں مملوک ہوں, یہ جاننا کہ میں مرزوق ہوں, اللہ رحمان ہے رحیم ہے, یہ جاننا, یہ جانیں گے تو ایمان آئے گا.